आज की तलावतों को अगर आपने गौर से सुना हो तो शुरू के तारफ में भी ये बताया गया था कि आज की तलावतें किस बारे में हैं? मुआफ़ी के बारे में। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहले कि माफ़ी क्या है, माफ़ी के लिए वो कौन, माफ़ी क्या है, माफ़ी क्या नहीं है, और तीसरी बात माफ़ी के लिए वो चार चीज़ें जो ज़रूरी हैं। क्योंकि ये तीन बातों का मैंने जिक्र किया है तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ आऊंगा कि वो चार चीजें जो माफी के लिए जरूरी हैं, माफी क्या नहीं है और माफी क्या क्या। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे पहले इजाजत दे, आपको कहानियां सुनना पसंद है? किसको उसको पसंद है? ठीक है, आधे लोगों को पसंद है, जिनको नहीं पसंद वो भी आज सुन ले। ठीक है, दो कहानियां हैं। एक कहानी सुनाने के बाद मैं वापिस आपकी इजाजत तलब करूंगा। अगर आपको लगे कि आपको दूसरी कहानी सुननी है तो मुझे वापिस से आपसे मैं पूछूंगा तो हाँ या ना में जवाब दें। लेकिन याद रखेंगे अगर आपका जवाब ना में भी हुआ तो फिर भी मैं दूसरी कहानी सुनाऊंगा, तो सोच के जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहली कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यस्यु बिन सराह की किताब में यह बताया गया है कि तू अपने हमसाए को मुआफ कर, क्योंकि जब तू दुआ करेगा तो खुदा क्या करेगा, तेरे भी गुनाह को। अच्छा, याद रखना है क्योंकि मैं वापिस इस बात पे आऊंगा। ठीक है, और जैसे ही हम इंजील मुकद्दस की तरफ जाते हैं तो मुकद्दस पत्रस खुद ही सवाल करते हैं और उस सवाल का खुद ही खुदावन यीशु मसीह के जवाब का इंतजार नहीं करते। ऐसा ही है कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, ऐसा ही है। ठीक है जी, मुकद्दस पत्रस करता है कि मैं अपने जिसने मेरे खिलाफ गुनाह किया उसको कितनी दफा मुआफ करूं, 7 बार या सब कितनी बार, 3 बार या 7 बार। तो यीशु क्या उसको कहते हैं कि 7 के 70 बार। सिर्फ एक आपको बात बताना चाहता हूं कि ये मुकद्दस पत्रस ने ऐसे नहीं बोल दिया था। अगर आप तकवीर की किताब के 4:24 और 25 आयत को पढ़ो तो वहां पर बड़े वाजे अल्फाज में लिखे, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हो? ठीक है, आज हमने गीत कौन सा गाया था, क्या पढ़ू मैं तेरा कलाम, क्यों पढ़ू मैं, मेरी जिंदगी है तेरा कलाम। हाँ जी, मैं आपको बताता हूं 4:24 और 25 आयत यूं लिखा है इसमें। ठीक है, लामक ने अपनी बीवियों से यूं कहा, ए आदा और सीला मेरी आवाज सुनो, और लामक की बीवियों मेरी बात पर कान लगा, क्योंकि मैंने जख्मी होकर एक आदमी को, क्योंकि उसने कान को कत्ल किया था गलती से, और जरब खाकर एक नौजवान को मार डाला। अगर कायन का बदला 7 दफा तो लामक का 7 के। अभी समझ आ रही है मैं बात क्या बताना चाह रहा हूं? जब आप घर पे जाएंगे तो इसको और ज्यादा पढ़ सकते हैं कि क्या। इस वजह से जब पत्रस बात करता है तो वो 7 के 70 बार यीशु मसीह इसको बताते हैं तकवीन की किताब का हवाला देकर। ठीक है जी, अच्छा अभी हम बात करते हैं कि पहली कहानी की तरफ। आज से तकरीबन 40 साल पहले 1983 में जनवरी यानी पहला महीना था, जैसे हमारे यहाँ पे मैगजीन्स होते हैं, संडे मैगजीन, नकीब मैगजीन होता है, वहां पे अमेरिका में एक मैगजीन है उसका नाम टाइम मैगजीन है। कभी नाम सुने, नाम ही सुने हैं तो सिर हिला दियो, उसके लिए मेरे लिए अच्छा, मुझे पता चलेगा सुने। अच्छा, टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन में आज से 40 साल पहले एक कहानी छपी थी एक सवाल के साथ। उसका पहला जो पेज होता है उस पर एक हमारे पोप जॉन पॉल दोम थे, जो पता है वो कौन थे, वो हमारे पोप थे, जो आप दे दिया मैंने पत्रस की तरह नहीं, उनके साथ एक और आदमी की तस्वीर छपी थी सामने वाले पेज पे, जैसे पहला पेज होता है, और उसके साथ एक सवाल था पहले पेज पे। याद रखें टाइम मैगजीन अमेरिका का बहुत बड़ा मैगजीन है, बहुत मशहूर मैगजीन है, बहुत दुनिया इसको पढ़ती है, हजारों लाखों की तादाद में इसको पढ़ती। तो ये सवाल छपा था जनवरी यानी साल के शुरू के पहले महीने में 1984 में, यह सवाल छपा, व्हाई फॉरगिवनेस, मतलब माफी क्यों, सवालिया निशान। अभी इसका जवाब मैंने आपको बाद में देना है, लेकिन मैं आपको कहानी की तरफ लेके जा रहा हूं, व्हाई फॉरगिवनेस, माफी क्यों। ठीक है जी, ये सवाल इस वजह से उठाया गया था क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमारे रूहानी बाप पोप जॉन पॉल दोएम जो थे वो गए थे जेल में उस बंदे से मिलने के लिए 1983 में, दिसंबर क्रिसमस का दिन था 1983, उस बंदे से मिलने के लिए गए थे जिस बंदे ने 1981 में मई की 13 तारीख को उन पर 2 गोलियां चलाकर उनको मारना चाहता, लेकिन खुदा की मर्जी ऐसी है कि वो बच गए। उसके बाद उनकी डेथ शायद 2005 में हुई थी, कितनी देर तक उन लोगों ने कलीसिया की खिदमत की। वो जाते हैं वहां पे उस बंदे के साथ जेल के अंदर,
21 मिनट तक बातचीत करते हैं, लेकिन किसी तीसरे बंदे को पता नहीं था कि उन लोगों ने बातचीत किया था। लेकिन उन लोगों ने उससे बात की, वापिस आए तो मीडिया वालों ने उससे पूछा जी क्या बात है। उसने बोला कि एक भाई दूसरे भाई से मिलने के लिए गया था और उसे माफ करने के लिए गया था। इस वजह को उठाकर टाइम मैगजीन ने यह सवाल उठा दिया कि माफी क्यों, ऐसे बंदे के लिए माफी कैसे हो सकती है जिसने कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े लीडर को मारने की कोशिश की। लेकिन पोप जॉन पॉल के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनको पता था कि वो जिस चर्च को, जिस कलीसिया की वो खिदमत कर रहे हैं, इसको बनाने वाला कौन है। वो खुदा है जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, जिसने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया, और मरते वक्त जब वो सलीब पर था तो उसने क्या कहा, ए बाप इनको माफ कर। पोप जॉन पॉल दो इस बात से बड़ा बखूबी वाकिफ था, इस वजह से उन्हें पोप जॉन पॉल ने उसकी पैरवी की जिस यीशु मसीह ने पोप जॉन पॉल दोम को चुना था। लेकिन सवाल वहीं का वहीं था कि माफी क्यों, इसका जवाब आखिर में। ठीक है, अभी दूसरी कहानी की तरफ जाते हैं। दूसरी कहानी सुनना पसंद करते हैं आप? दूसरी याद है आपको? ठीक है, दूसरी कहानी आज से तकरीबन 4 साल पहले मुझे एक औरत ने सुनाई, मां थी, 2019 की बात। उनके बेटे को 5 साल पहले, मतलब 2014 में, किसी आदमी ने, जैसे पोप जॉन पॉल दोम को किसी बंदे ने 2 गोलियां मारी लेकिन वो बच गए, इसी तरह किसी एक बंदे ने, नौजवान ने उनके बेटे को 7 गोलियां मारी लेकिन क्या हुआ, वो बच गया क्योंकि खुदा की मर्जी थी। ठीक है, 2014 में लेकिन हुआ ऐसे कि वो बंदा, बच्चा जिसको 2014 में 7 गोलियां मारी गई, वो 2016 में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वो केस चल रहा था, उस बंदे ने 7 गोलियां मारी थी, अदालत में केस चल रहा था, ये बुजुर्ग औरत जो वहां पे गई के, अभी केस चल रहा था उसकी मौत के बाद भी, तो कहती है कि मैं अदालत में उस बंदे के साथ बैठी थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो बंदा वही है जिसने मेरे बेटे को गोलियां मारी। अब ये बात चल रही थी, तो बात चल रही थी, तो उन लोगों को पता चला कि जो उनके साथ बैठा है वो कौन है, जिसने उनको बेटे को मारा। तो उन लोगों ने उसको माफ किया, उनके बेटा मैं तुझे माफ करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस दर्द और तकलीफ से मैं एक माँ गुजरी हूं, मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ भी इस तकलीफ से गुजरे। उस बंदे ने 6 महीने के बाद अपने आप को गोली मार के कत्ल कर दिया। तो मुझे उन लोगों ने बताया, कहती है कि अगर मैं उसको माफ नहीं करती ना, तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती। वो औरत मेरी माँ थी, और वो जो बच्चा जिसको 7 गोलियां लगी थी वो मेरा छोटा भाई था। लेकिन माफी का सबक जो मैंने सीखा वो अपनी माँ से सीखा, कि जिसके बेटे को गोलियां मारी जाती हैं लेकिन वो क्या करती है, क्यों करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसको बनाने वाला खुदावन यीशु मसीह है, और जिसकी वो पैरवी करती है उसने सलीब पर क्या किया, मुआफ किया। ठीक है, उसने भी क्या किया, मुआफ किया। अभी मैं सवाल की तरफ आता हूं कि 4 चीजें जो मुआफी के लिए जरूरी है। मुआफी के लिए माफी मांगने से पहले कबूल करना कि मैंने गलती या गुनाह किया है क्या है, जरूरी है। दूसरी बात, माफी मांगना जरूरी है। तीसरी बात, माफ करने वाले का होना जरूरी है। और चौथी बात, माफी कबूल करना जरूरी है। समझ आ गई है कि ये 4 चीजें आपने याद रखी। अभी हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि माफी क्या नहीं है। माफी ये नहीं है मेरे अजीजों कि एक बंदा आपके साथ ज्यादती करता जा रहा है और आप उसको बर्दाश्त करते जा रहे हैं। मुआफी ये भी नहीं है कि एक बंदे ने आपके साथ गलत किया है, चाहे जानबूझकर या गलती से, आप उसकी गलती को भूल जाओ। मुआफी ये भी नहीं है कि बार बार एक बंदा आपके साथ वही सलूक करता जा रहा है और आप उसको बर्दाश्त करते जाओ। मुआफी ये भी नहीं है कि जैसे वो आपको जानवरों की तरह और एक चीज की तरह इस्तेमाल करता रहा है और आप इस्तेमाल होते जाओ। मुआफी इनमें से कुछ भी नहीं है।
माफी ये है कि आप अपना वक्त और अपनी जिंदगी ये सोचकर जाया मत करें कि मैंने उससे बदला कैसे लेना। माफी ये हरगिज नहीं कि आपको जो खुदा ने जिंदगी का तोहफा दिया है, जो वक्त दिया है इस जमीन पर गुजारने के लिए, आपको ऐसे ही उसको जाया करें। आप अगर मुआफ करते हैं तो आप उसके लिए उसको मुआफ नहीं करते बल्कि अपने लिए मुआफ करते हैं। क्यों मुआफ करते हैं? क्योंकि आप उस कैद में उसके साथ हो जो वो उस कैद से गुजर रहा है, क्योंकि आप दिन रात उसी बंदे के बारे में सोच रहे हो जिसको आपने मुआफ नहीं किया। अगर हम इंजील मुकद्दस को देखें तो क्या होता है कि वो एक आदमी खुद मालिक के पास आता है और मालिक उसको क्या करता है, जैसे ही वो गिड़गिड़ाता है उससे गुजारिश करता है, वो उसको क्या करता है, वो उसको मुआफ करता है। लेकिन उसके बाद क्या, जैसे वो शख्स उसके घर से बाहर निकलता है क्या देखता है, एक और शख्स जिसका उसने कर्ज देना होता है वो उसको क्या करता है, मुआफ नहीं करता। ऐसे ही है ना, हम यहां पर खुदावन के हजूर में आते हैं, उस मालिक के पास आते हैं जिसने हमें अपनी शबी पर पैदा किया। हम उस मालिक के पास आते हैं, जब हम उसके पास आते हैं वो हमें क्या करता है, लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं वो हमारा फैसला। आज हम उस मालिक के पास आए हैं जो हमें माफ करता है। वो माफी लेने के बाद जैसे ही आप उसके घर से बाहर जाएंगे, आपको बाहर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके कर्जदार हैं, जो लोग आपकी मुआफी के तलबगार हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि आप भी उनका कर्ज क्या करें। फैसला आपका है, ना मैं आपको मजबूर करूंगा और ना मैं आपको कहूंगा कि तुसा माफ करना ही करना, ये आप पे है। आपको 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन ये आप पे, आपने फैसला करना है। फादर जी मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, हमारा काम है आपको बताना। मालिक के पास वो आया कर्जदार, मालिक ने उसको मुआफ किया, वो बाहर गया, उसका कर्जदार उसको मिला, उसने क्या किया, उसको मुआफ नहीं किया। आज जब हम लोग यहां से बाहर जाएंगे, खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें वो फजल बख्शे। खुदा के फजल के बगैर हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। खुदा का फजल होना लाजमी है, अगर खुदा का फजल हमारे पास नहीं तो हम दूसरों को मुआफ नहीं कर सकते। मेरा यकीन है कि पोप जॉन पॉल दोम जो थे, 1981 में इनको गोलियां लगी, लेकिन 2 साल के बाद जब वो गए तो खुदा ने उनको फजल बख्शा के जाके इसको क्या करें। मेरी माँ को खुदा ने फजल बख्शा के 3 साल के बाद जाके अदालत में उसको क्या करें। हमें भी खुदा के फजल की जरूरत है। याद रखें यीशु बिन सरा ने क्या कहा, कि तू अपने हमसाय को क्या कर, क्योंकि जब हम लोग दुआ करते हैं तो खुदा भी हमारे गुनाहों को क्या करता है। खुदा यीशु मसीह के शिगिर्द उसके पास आकर कहते हैं कि हमें क्या करना सिखा, दुआ करना सिखा, माफी माफी में भूल जाओ, हमें क्या करना सिखा। तो खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या दुआ किया करो, क्या करें, जिस तरह आपका फैसला आपके हाथों में। आप लोग जो रोजरी रोज पढ़ते हैं, हम 5 से 6 दफा ऐ हमारे बाप की दुआ करते हैं। हम हर रोज ये कहते हैं कि हमारे कर्ज हमें माफ कर, जिस तरह हम अपने उन जी माफ होने ने जिन जी तुसी करते हो। और खुदा यीशु मसीह ने ये सिखा दिया था शिगिर्द। आज जब हम आज ये दुआ करें, ऐ खुदा हमारे कर्ज माफ कर, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तो ये कहानी जो पत्रस रसूल के सवाल और जवाब के साथ हमारे दरमियान में शुरू हुई, यहां पे खत्म ना हो। जब वो मालिक के पास आया, मालिक ने उसको माफ किया, वो घर से बाहर गया मालिक के घर से, तो उसने उसको माफ ना किया। दुआ करें कि जब हम इस घर से, इस मालिक के घर से बाहर जाएं तो क्या करें, माफ करें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे, मसीह खुदावन के वसीला से।